श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डॉक्टर एल मुरुगन जी, माय वार्म वेलकम टू द ऑनरेबल मिनिस्टर्स. फर्स्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग विल ब्रीफ. आफ्टर दैट वील टेक सम क्वेश्चन रिलेटिंग टू कैबिनेट डिसीजन ओनली. ओवर टू HMIB सर. नमस्कार मित्रों, पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीज से बाजार तक दृष्टिकोण के कारण भारतीय कृषि ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और सरकार ने किसानों को विभिन्न जोखिमों से बचाने के लिए, आय में वृद्धि करने के लिए और सूचना उनके घर द्वार तक पहुंचाने के लिए ढेरों कदम उठाए हैं. और इसमें किसानों की वृद्धि में भी आपको बदलाव दिखे होंगे. सो बीज से लेकर मिट्टी की सेहत तक, बीमा से लेकर सिंचाई तक, न्यूनतम समर्थन मूल्य से लेकर बाजारों तक, एक व्यापक दृष्टिकोण से हर कदम पर किसानों का सशक्तिकरण हुआ है. आज की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2022-23 के लिए खरीफ की 14 फसलों की सब वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP का अनुमोदन किया गया है. और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बुआई के समय अगर किसानों के ये आश्वासन होता है कि क्या दाम मिलने वाला है तो उससे उनका मनोबल भी बढ़ता है और उनको दाम भी बेहतर मिल पाते हैं. आपको ज्ञात होगा 2018-19 में जब सरकार ने निर्णय लिया कि लागत प्लस 50% पर MSP तय करेंगे, उसको हमने लगातार लागू भी किया और उसके पालन के कारण किसानों को अच्छे दाम भी मिले, उनकी कमाई भी बढ़ी और बहुत सारे और कदम इसके साथ साथ कृषि के क्षेत्र में मोदी जी की सरकार ने उठाए हैं. चाहे वो 1,00,000 करोड़ रुपये का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो या किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 16,00,000 करोड़ रुपये किसानों को देने की बात हो, कम ब्याज दर पर वो मिलते हैं. यहाँ तक कि PM किसान सम्मान निधि जो पिछले कुछ दिन पहले ही एक किश्त जारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जारी की, उसको मिलाकर लगभग 2,00,000 करोड़ रुपये अब तक किसानों के खाते में जा चुका है. दुनिया भर में फर्टिलाइजर के दाम बढ़े उसके बावजूद 2,10,000 करोड़ की सब्सिडी इस साल हम दे रहे हैं. पिछले साल 1,00,000 करोड़ थी तो इस साल 2,10,000 करोड़ हो गई है, यानी कि दुगनी से ज़्यादा सब्सिडी फर्टिलाइजर पर हुई. लेकिन किसानों पर हमने कोई बोझ नहीं पड़ने दिया है. माइक्रो इरिगेशन स्कीम्स को देश भर में लागू किया गया, पर ड्रॉप मोर क्रॉप की योजना को आगे बढ़ाते हुए नेचुरल फार्मिंग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है. नैनो फर्टिलाइजर्स का उपयोग करने के लिए उसको भी लॉन्च किया गया है और 22 करोड़ किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड देने का काम भी मोदी जी की सरकार ने किया. छोटे किसानों की ताकत बढ़े तो 10,000 FPOs बने, 6,865 करोड़ रुपया इसके ऊपर लागत आएगी, यह भी बजट में प्रावधान किया गया. तो खाद तेलों की बात करें तो दलहन तेलन की जहां एक और खरीद बढ़ाई है, वहीं पर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में पाम ऑयल को बढ़ावा देने के लिए इसमें भी 11,000 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया गया. ये कुछ बिंदु आपके सामने बताए जो पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने किसान कल्याण के लिए और कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं. अगर आज की मैं बात करूं तो MSP के जो दाम बढ़े हैं इसमें तिल की MSP में 523 रुपए की वृद्धि इस साल होगी. मूंग पे 480 प्रति क्विंटल उसकी वृद्धि है. सूरजमुखी बीज पर 385 रुपए प्रति क्विंटल और रामतिल पर 357, तो कपास मध्यम रेशा पर 354 रुपए, सोयाबीन पर जो पीला उस सोयाबीन पीला पर 350 रुपए की वृद्धि होगी और तूर पर 300 रुपए की वृद्धि है, उड़द पर 300 रुपया, मूंगफली पर 300 रुपया, ज्वार हाइब्रिड पर 232 रुपए, ज्वार मालदंडी पर 232 रुपए, रागी पर 201 रुपया, धान पर 100 रुपया, धान सामान्य पर 100 रुपया और धान ग्रेड ए पर 100 रुपया, बाजरा पर 100 रुपया और मक्का पर 92 रुपये. अगर आप इसको
तुलना के रूप में देखेंगे तो 2014-15 से पहले मात्र गिनी चुनी खरीफ फसलों पर खरीद होती थी, शायद एक दो के ऊपर। लेकिन बड़ा बदलाव मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ कि बाकी फसलों को भी इसमें जोड़ा गया और किसानों की आय भी बढ़ी। हालांकि कृषि के बजट में भी जो बढ़ोतरी हुई वो आप सबके सामने है कि कैसे उसमें हजारों करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। आज से कुछ साल पहले 2013-14 में जहां मात्र 21,000 करोड़ रुपये इसका बजट होता था, वो बढ़कर 1,26,000 करोड़ रुपया हुआ है। ये अपने आप में दिखाता है कि कितना बड़ा बदलाव इसमें हुआ है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको विस्तार में और बताऊं, ये जब हम डेढ़ गुना की बात करते हैं, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन उत्पादन लागत में परसेंटेज वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो तिल में 50%, मूंग पर 50%, सूरजमुखी बीज पर 56%, राम तिल पर 50%, कपास मध्यम रेशा पर 50%, सोयाबीन पर 53%, तूर पर 60%, उड़द पर 59%, मूंगफली पर 51%, जवार हाइब्रिड पर 50% और रागी पर 50%, धान पर 50%, बाजरा पर 85% और मक्का पर 50%। तो 50% से ऊपर ही सारे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 8 फसलों में तो कम से कम डेढ़ गुना है ही। जो बाकी 6 फसलें हैं उनमें जैसे बाजरा पर 1.85 टाइम्स है, 1.85 गुना है, तूर पर 1.6 गुना है, उड़द पर 1.6 गुना है, सनफ्लावर पर 1.56 गुना है, सोयाबीन पर 1.53 गुना है। तो कुल मिलाकर इस पर लगातार इसको बढ़ावा देने का काम किया, किसानों की आय भी बढ़ी। और जो लागत प्लस 50% पे तो हमने किया ही, इससे अगर आप पहले की सरकारों की तुलना में देखेंगे, पहले कम खेती होती थी, न्यूनतम खरीद होती थी, उच्च आयात निर्भरता होती थी और अत्यधिक उपभोक्ता मूल्य था। अब मोदी जी की सरकार के समय अधिक खेती होती है, उच्च MSP के कारण खरीद में वृद्धि भी हुई, खरीद भी ज़्यादा हुई और उसको MSP भी ज़्यादा देने का काम हुआ, कम आयात निर्भरता हुई और उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमत है। अगर आप एक्सपोर्ट्स भी देखेंगे तो आज तक का सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्सपोर्ट्स, एलाइड ये $50 बिलियन से ज़्यादा का हुआ है। ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे कृषि के क्षेत्र में एक तरफ दाम बढ़ाने, योजनाओं को लाने, खरीद को बढ़ाने का लाभ किसानों की आय को बढ़ने में हुआ है और कृषि के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई और आयात पर हमारी निर्भरता कम हुई है। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देते हुए सरकार ने जहां दलहन तिलहन और पोषक अनाज फसलों के लिए MSP की दरों में ऐतिहासिक वृद्धि की थी, उसमें आप देख सकते हैं इनसे किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है, उनकी खरीद भी कई गुना ज्यादा बढ़ी है। दलहन तिलहन के MSP बढ़ाने से मिले प्रोत्साहन के फलस्वरूप 2018-19 में उत्पादन जो 220 लाख मीट्रिक टन था वो बढ़कर 270 लाख मीट्रिक टन मात्र 2.5-3 वर्षों में हो गया है। और जो और जो 315 लाख मीट्रिक टन था वो बढ़कर 385 लाख मीट्रिक टन हो गया है, यानी कि दलहन का 220 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 270 मीट्रिक टन और तिलहन का 315 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 385 लाख मीट्रिक टन हुआ है। इसी तरह से 2014-15 में 478 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद लगभग 67,000 करोड़ रुपए की लागत से हुई। ये मैं 2014-15 का आंकड़ा बता रहा हूं, 2014-15 में धान की कुल खरीद 478 लाख मीट्रिक टन और कुल खर्च उस पर 67,000 करोड़ रुपया हुआ। इससे बढ़कर 2020-21 में ये 476 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 895 लाख मीट्रिक टन हो गई और जो खर्चा इसके ऊपर 67,000 करोड़ हुआ था वो बढ़कर 1,70,000 करोड़ रुपया हुआ है, यानी कि किसानों को 1,03,000 करोड़ रुपया ज्यादा मिला है। ये बदलाव पिछले कुछ वर्षों में हुआ, ये मैं केवल एक वर्ष का बता रहा हूं, यानी कि 14-15 की तुलना में 20-21 की तुलना को अगर आप देखेंगे
तो अगर आप 8 सालों का लेखा जोखा देखोगे तो लाखों करोड़ रुपए की आय, किसानों की वृद्धि भी हुई और खरीद में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से ही बाकी दाम मैंने आपको बता दिया, अगर आप तुलना चाहोगे तो मैं आप 2014-15 की तुलना से लेके अब क्या दाम हुए हैं मैं वो भी आपके अगर चाहो तो जानकारी के लिए बता दूं। 2014-15 में तिल 4600 रुपये, तो आज बढ़कर वो 7830 रुपये हो गए। मूंग 4600 रुपये, तो आज बढ़कर 7755 रुपये इसकी MSP हो गई। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा बदलाव आया है। यानी कि तिल 2014-15 में MSP 4600 रुपये थी, तो आज बढ़कर 7830 रुपया हो गई। मूंग 2014-15 में 4600 रुपये थी, आज बढ़कर 7755 रुपये उसकी MSP दी जा रही है। सूरजमुखी बीज 3750 रुपये थे, बढ़कर 6400 रुपया हो गया है। राम तिल की MSP 3600 रुपये थी, बढ़ाकर 7287 रुपया कर दी है। ये मात्र पिछले 8 वर्षों में हुआ, 7 वर्षों में। इसी तरह से कपास 3750 थी, तो उसको बढ़ाकर 6080 रुपया MSP कर दी है। 2014-15 में सोयाबीन 2560 थी, जो बढ़ाकर 4300 रुपया कर दी है। तूर जो थी अरहर, ये 4350 रुपया थी 2014-15 में, ये बढ़ाकर 6600 रुपया इसकी MSP कर दी है। उड़द 4350 रुपया, जो बढ़ाकर 6600 रुपया इसकी MSP अप कर दी है। मूंगफली 4000 रुपये थी, 5850 इसके कर दिए। इस तरह से मैं आपको बहुत सारे आंकड़े दे सकता हूं कि कैसे पिछले 8 वर्षों में मोदी सरकार के निर्णय किसान कल्याणकारी योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने में और उनको राहत प्रदान करने में भी बहुत सफल सिद्ध हुई हैं। एक ही आइटम है, हाँ ले सकते हैं क्वेश्चन। थैंक यू सर, वी विल नाउ टेक सम क्वेश्चंस। ओके 91। सर नमस्कार। नमस्ते शिशिर जी। सर MSP का बढ़ना, इसका एक पहलू ये है कि किसानों को ज़्यादा पैसा मिलता है, इससे इस पर किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन एक इसका पहलू ये भी कि MSP बढ़ने के बाद महंगाई दर पर भी इसका असर पड़ता है, और दूसरी तरफ किसानों को जितनी कमाई होनी चाहिए वो हो नहीं पाती, क्योंकि बीज का चैनल उस तरीके का काम नहीं कर पाता है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अच्छा है शिशिर जी आपने सवाल पूछा, क्योंकि मैंने पहले भी अपनी बात में कहा, शायद मैं थोड़ा ज़्यादा तेज बोल गया, इसलिए कहीं दिक्कत आई होगी। सब्सिडी में, फर्टिलाइजर सब्सिडी में जहां 1 लाख करोड़ रुपया पिछली बार सब्सिडी मिलती थी, इस वर्ष वो बढ़कर 2,10,000 करोड़ रुपया हो गई। किसानों पर हमने फर्टिलाइजर के बढ़ते दाम जो दुनिया भर में बढ़े उसका बोझ नहीं पड़ने दिया, उल्टा उसकी सारा बोझ भारत की सरकार, मोदी सरकार ने वहन किया है। दूसरी ओर समय से पहले, बुआई से पहले हमने जो खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य MSP को आज घोषणा की है, तो जारी किए हैं, इससे भी किसानों को विश्वास दिलाया है कि दाम भी अच्छे मिलेंगे और खरीद भी होगी। मैंने पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े इसलिए भी बताने चाहे आपको कि किस तरह से हमने दाम भी बेहतर कर दिए और इसकी खरीद को भी दुगने से ज़्यादा कर दिया है। इसलिए किसानों को मैंने परसेंटेज वाइज भी बताया कि लागत प्लस 50% मुनाफा तो मिनिमम मिल ही रहा है, उससे ज़्यादा भी 1.85 टाइम्स देने का काम भी मोदी सरकार के समय हो रहा है। अलग अलग फसलों में मैंने बताया, कहीं पे 1.75, कहीं पे 1.85, कहीं पे 1.59, तो ये भी सब हो रहा है। जैसे दालों की खरीद, अभी मैं ये आपके सामने एक चार्ट है, देखिए ये MSP पर दालों की खरीद में 74 गुना वृद्धि हुई है। 2009 से 14 तक 1.51 लाख मीट्रिक टन था, जो बढ़कर 112.63 लाख मीट्रिक टन 2016 से 2021 के बीच में हुआ, केवल 5 वर्षों। ये अपने आप में दिखाता है कि जो हम आयात पर निर्भर रहते थे, कि दुनिया भर से दालें मंगवाते थे, हमने अपने किसानों के लिए दाम बढ़ाए, उनकी भी आय बढ़ी और आयात पर निर्भर भी नहीं होना पड़ा। नंबर 125। सर आपने जो आत्मनिर्भरता की बात की,
दाल का तो हम लोग देख रहे हैं, इस पर भी एक बड़ा रोल रहा है कि इम्पोर्ट बहुत अच्छा हुआ है। दाल जो इम्पोर्ट नहीं हो पा रहे उस दाल का प्राइस बढ़ रहा है, शायद आपको पता होगा, जैसे कि मसूर दाल है। और जब मैं ऑयल सीड की बात करें, हमने इस बार देखा कि जैसे इंडोनेशिया ने बैन कर दिया, हमारे यहाँ हाल खराब हो गई। सो बाय व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट कि विल बी आत्मनिर्भर इन ऑयल सीड, इवन नाउ वी आर 65% डिपेंडेंट आफ्टर 8 ईयर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट। देखिए उसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि 11,000 करोड़ रुपए का तो हम पाम ऑयल की जगह अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों के लिए स्पेसिफिक तौर पर स्कीम को लाया गया है, एक फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन। जैसे आपने हमारे बाकी प्रोग्राम्स में भी देखा होगा कि एक और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं और 100% सशक्तिकरण की ओर ये सरकार काम करती है, चाहे वो शौचालय की बात थी, बिजली की बात थी, बैंक खातों की बात थी, या पानी देने की बात हो, या पक्के मकान देने की बात हो। उसी तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जहां बाकी सेक्टर्स में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, तो यहां पर MSP जैसी स्कीमों का लाभ भी, यहां किसानों को उसका लाभ है। दलहन तिलहन के मैंने आंकड़े आपको बताए, 72 गुना ज्यादा, परसेंट भी नहीं गुना ज्यादा वो खरीद की है। तो प्रोडक्शन हुई होगी तभी खरीद हुई, क्यों हुई, क्योंकि हमने दाम उसके बढ़ाने शुरू किए। लेकिन बदलाव देखिए, किसान बहुत तेजी के साथ अपने आप को बदलाव भी करता है, चैलेंज लेने के लिए तैयार भी रहता है। अगर मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करूं, बहुत कम 1.5% और 2% केवल पैसा खर्च करना पड़ता है और उनकी फसल को बीमा भी मिलता है, 1,00,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के मुआवजे उनको मिले। ये बदलाव हम लेकर आए, पहले 50% तक फसल नष्ट होती तब उसको कवर करते, अब 33% पर उसको किया है। तो किसानों के हितों की रक्षा वहाँ पर की गई है, जहाँ एक और फसल बर्बादी ना हो, उनका नुकसान ना हो, वो भी किया गया। MSP के दाम भी बढ़ाए गए, उनको समर्थन मूल्य भी दिया गया और उनकी खरीद को बढ़ाने का काम भी किया। ये आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में ही कदम है। हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द हो 26, और इसीलिए लाखों एकड़ भूमि जो सिंचाई योग्य नहीं भी थी उस पर भी उसको सिंचाई योग्य बनाए, उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। फर्टिलाइजर्स में भी एक और नैनो फर्टिलाइजर की ओर जाने का काम कर रहे हैं, ताकि भाड़ा भी कम पड़े, खर्चा भी कम हो, और दूसरी ओर नेचुरल फार्मिंग को भी उतना ही बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि फर्टिलाइजर्स की लागत कम हो सके। सर, मैं लक्ष्मण, CNBC आवाज से। मेरा सवाल यह है कि सरकार ने जो ऐलान किया था कि किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, उसके बाद लगातार MSP में बढ़ोतरी की गई थी, इन MSP में बढ़ोतरी के बाद उस लक्ष्य के कितने करीब हम पहुंच पाए हैं? और दूसरा सवाल ये है कि चूंकि खेती से जुड़े ही फैसले लिए गए हैं, तो क्या फर्टिलाइजर की उपलब्धता बढ़ाने या इस मुद्दे पर भी कोई चर्चा हुई कैबिनेट की बैठक में? किस पे चर्चा हुई? फर्टिलाइजर की उपलब्धता बढ़ाने के लिए। देखिए, जहां दुनिया भर में फर्टिलाइजर का संकट था, हमने भारत में ऐसे कोई स्थिति पैदा नहीं होने दी। आपदा के समय भी जहां एक और आप सबके लिए भी और देश भर के लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई, वहीं पर किसानों के लिए फर्टिलाइजर की कमी ना आए, रॉ मटेरियल की पूरी दुनिया भर में कमी है, उसके बावजूद देश के किसानों को फर्टिलाइजर की कमी नहीं होने दी। साथ ही साथ नैनो फर्टिलाइजर्स को भी लॉन्च कर दिया है और आगे भी हमारा प्रयास है कि उस दिशा में बहुत सारे कदम हमने उठाए हैं और उस दिशा में बहुत बदलाव भी देखने को मिल रहा है। फर्टिलाइजर मंत्री आपको उसमें और डिटेल में बता पाएंगे, लेकिन जो आपका पहला प्रश्न है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि धान के लिए जो MSP का भुगतान है, अगर आप उसकी तुलना भी करके देखेंगे तो 2007 से 2014 तक 2.58 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ और 2014 से 2021 तक बढ़कर 7,43,000 करोड़, तो 2,58,000 करोड़ से बढ़कर 7,43,000 करोड़ रुपया वो हो गया। गेहूं के लिए MSP का भुगतान, जहां पिछली सरकार के 2007 से 14 के बीच में 1,99,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, अब बढ़कर वो 2014 से 21 में 3,65,000 करोड़ रुपया हुआ है। इसी तरह से दलहन खरीद पर जो मैंने पहले बताया 74 गुना वृद्धि हुई है, वहां पर 2009 से 14 तक 1.51 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई थी, तो बढ़कर 112.63 लाख मीट्रिक टन उसकी खरीद हुई है। तो एक बड़ा बदलाव आया है, उस दिशा में सारे कदम है किसानों के लिए। सर, आपने कहा कि MSP में इतने दाम बढ़े हैं, लेकिन अपोजिशन कह रहा है कि एक साल तक किसान आंदोलन करते हैं, किसान आत्महत्या करते हैं, किसानों के आय के लिए आपने
आठ साल पहले कहा कि 2022 में डबल कर देंगे, 2022 गुजरने वाला है, उनकी उनका यही सवाल है कि आखिर मोदी सरकार ने किसानों के लिए किया क्या है? मैंने जो शुरू में भी कहा कि 1,00,000 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हमने दिया है, 2,00,000 करोड़ से ज्यादा देश के लगभग 11,87,00,000 किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि में दिया है, 22 करोड़ किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए हैं, यही नहीं 16,00,000 करोड़ रुपये हमने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम ब्याज दर पर किसानों को उपलब्ध करवाया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लगभग 1,00,000 करोड़ रुपया किसानों को मुआवजे के रूप में मिला है। किसानों की MSP में जो वृद्धि हुई और जो मैंने आंकड़े आपको बताए वो अपने आप में दिखाता है कि प्रति वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ रुपये का ज़्यादा भुगतान उनको होना शुरू हुआ है। इसके अलावा कई ऐसे कदम और हमने पूर्व में उठाए जो किसानों के हितों में हैं और उससे किसानों की आय बढ़ने में बहुत लाभ मिला है, जिनमें से आपने वापस रिपीट करवाना ही है। एक सेकेंड, उसी कागज पे लिखा है। माइक्रो इरिगेशन की भी और नैनो फर्टिलाइजर वगैरह मैंने बाकी सब भी आपको बताया, पहले रेपिटेशन हो जाएगी। इसी तरह से FPO जो है छोटे किसानों के लिए 6,865 करोड़ रुपया खर्च होगा, 10,000 से ज़्यादा FPOs बनेंगी और इसका प्रभाव हमने समाज में देखना शुरू किया कैसे FPOs का लाभ मिला है। इसी तरह से पाम ऑयल के लिए 11,000 करोड़ रुपये नॉर्थ ईस्ट के लिए उस योजना के लिए हम लेकर आए हैं तिलहन मिशन के लिए, और माइक्रो इरिगेशन के ऊपर भी हमने पैसा खर्च किया। तो वहीं पर 99 स्कीम्स ऐसी थी इरिगेशन की जिनको पूरा करने के लिए 73,900 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने खर्च किया। उसमें से सरयू सिंचाई योजना आपने सुना होगा यूपी के चुनाव के समय भी, उससे पहले जो 50 सालों से पूरी नहीं हो पाई वो भी मोदी सरकार ने पूरी करके दी। सर, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, दालों का भी बढ़ रहा है और अनाज का भी बढ़ रहा है, लेकिन जो भंडारण व्यवस्था है उसकी क्या स्थिति है, कितनी तेजी से बढ़ रही है, बना रहे हैं? भंडारण तो लगातार जितनी भी खरीद होती है उसको हम कर ही रहे हैं, और केवल भंडारण ही नहीं कर रहे, भंडारण की क्षमता को बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपदा के समय 80 करोड़ गरीबों को, 80 करोड़ भारतीयों को 28 महीने तक मुफ्त में अनाज देने का काम भी मोदी जी की सरकार ने किया और शायद दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया है। तो खरीद भी की, भंडारण भी किया, एक्सपोर्ट भी $50 बिलियन से ज़्यादा का हमने किया है, ये दिखाता है एक्सपोर्ट भी बढ़ा, तो स्थानीय लोगों के लिए जो अनाज की कमी ना आए उसकी भी पूर्ति भी की है। 176 सर, आंचल यादव हिती खबर से। सर, मेरा सवाल ये है कि जिन किसानों के खातों में किसान पीएम योजना के तहत जो 2,000 रुपए आया करते हैं, तो क्या जिन लोगों के खाते में नहीं जा रहे थे उनके लिए नंबर जारी किए गए थे, हेल्पलाइन नंबर, तो क्या उससे उनका निस्तारण हो पा रहा है समस्याओं का जो शिकायतें अपने लेकर आते हैं? निश्चित तौर पर राज्यों से जो भी इस तरह के नंबर आते हैं, कई राज्यों ने तो पूरी सूची नहीं भेजी। मान लीजिए कोई एक ऐसा राज्य जहां से राज्य ही सूची नहीं भेजता है तो वहां के किसानों को नुकसान होता है। मैं किसी राज्य का नाम नहीं ले रहा, नहीं तो थोड़ा पॉलिटिकल हो जाता है, इसलिए कहता हूं कुछ राज्यों के ऐसे भी कारण रहे, लेकिन हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किया कि देश के हर किसान को इसका लाभ मिले। जो छोटे किसान हैं उनको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है, क्योंकि साल में 6,000 रुपया किसी भी किसान के लिए एक अच्छी रकम है, जहाँ से उसकी लागत भी कम आती है, उसको मुनाफा भी बढ़ता है। और 11,87,00,000 ऐसे किसान बहुत बड़ी संख्या है, 2,00,000 करोड़ रुपये इनके ऊपर खर्च किया गया। नंबर 45 और हमारा बजट तो आपको स्वयं बताता है कि कहाँ 21,000 करोड़ था 2013-14 में, बढ़कर 1,26,000 करोड़ रुपया हुआ है। सर, 5G ऑक्शन से जुड़े नियम भी आज कैबिनेट में इस पर चर्चा हुए हैं क्या? किस पे? 5G ऑक्शन? नहीं, इस पे कोई नहीं निर्णय हुआ, एजेंडा में नहीं था। 86 सर, प्रशांत हुए ABP न्यूज से। पहला सवाल यह है जो शिशिर सर ने सबसे पहले पूछा था सर,
आपने उसका जवाब नहीं दिया कि जैसे एमएसपी का बढ़ता है, इस बार हम लोगों ने देखा कि गेहूं की खरीद में एमएसपी से ज़्यादा कीमत दी गई उनको प्राइवेट ऑपरेट व्यापारियों की तरफ से और दाम बढ़ गए। तो एमएसपी के दाम आप जो बढ़ाते हैं उससे महंगाई पर क्या कोई असर पड़ेगा? दूसरा, अगर आप इजाज़त दें तो सर आपकी खेल मंत्रालय से एक जुड़ा सवाल है सर, वो ये है कि साइकिलिंग टीम गई थी इंडिया की, उसको वापस बुलाना पड़ा। हम कैबिनेट के निर्णय तक ही जवाब देते हैं, तो आपके अपने ही सवाल में जवाब है। आपने कहा कि एक और आप एमएसपी तय करते हैं, दूसरे बाजार में दाम ज़्यादा मिलता है, अच्छी बात है, बाजार में दाम ज़्यादा मिलता है, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा, वो एक अलग बात है। लेकिन हमने सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि लागत प्लस 50% मुनाफा देंगे, हमने वो सारी फसलों पर अगर आप देखेंगे हमने उसको पूरा किया है और कहीं ना कहीं लागत प्लस 85% भी पहुँच रहा है। ये अपने आप में दिखाता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, उत्पादन भी बढ़ रहा है, एमएसपी की बढ़ोतरी भी की गई और खरीद में बढ़ोतरी की गई। और ये जो समय से पहले, अगर आप पूर्व की सरकारों में देखें, कई बार फसल के दौरान भी जब बुआई हो जाती थी उसके बाद भी घोषणाएं नहीं की जाती थी, बुआई से पहले घोषणा करना ये सुनिश्चित करता है कि किसानों को पता है कि सरकार उनको फसल की कटाई के बाद क्या दाम देने वाली है। ये मोदी सरकार ने सुनिश्चित करना शुरू किया है, लागत प्लस 50% मुनाफा भी और बुआई से पहले घोषणा भी एमएसपी की करना, ये सरकार की क्रेडिबिलिटी दिखाती है कि किसानों के कल्याण के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बनाया गया है। नंबर थ्री सर, मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। आप एमएसपी लगातार बढ़ा रहे हैं 85% 50% से ज़्यादा, लेकिन किसान को इसका लाभ मिल रहा है? क्योंकि जैसे अगर हम बात करें, पिछली मर्तबा भी जो मक्का का किसान था उसको बहुत कम लागत पर बेचने के लिए अपनी फसल विवश होना पड़ा, और अभी की अगर बात करें तो यही हालत हो रही है प्याज की। तो उत्पादन बढ़ रहा है, एमएसपी बढ़ रही है, पर किसान क्यों गरीब है सर? मुझे लगता है आप आंकड़ों में अगर विस्तार में देखेंगे तो आंकड़े ही सब कुछ कह रहे हैं जी। उत्पादन तो बढ़ा ही, एमएसपी लगातार बढ़ाई है। मैं साल दर साल, मैंने इसीलिए आपको, मैं अगर आप चाहते हो मैं एक बार फिर 2014 के आंकड़े आपको पढ़ देता हूं और आज 2022 में भी क्या है। इतनी बड़ी वृद्धि अगर किसी सरकार के कालखंड में, और मैंने पिछले साल की भी तुलना में बताया, सबसे पहले पिछले साल के मुकाबले, अगर आप केवल पिछले साल के मुकाबले देखेंगे और इस साल क्या बढ़ोतरी की है, तो तिल की एमएसपी में 523 रुपये वृद्धि करने जा रहे हैं, मूंग में 480 रुपये वृद्धि करने जा रहे हैं, सूरजमुखी बीज में 385 रुपये वृद्धि है, राम तिल में 357 रुपया और कपास में 354 रुपये, सोयाबीन में 350, तूर में 300, उड़द में 300 रुपया, मूँगफली में 300, ज्वार में 232, ज्वार मालदंडी में 232, रागी में 201। तो अपने आप में दिखाते हैं कि किस तरह से मूल्य बढ़ाए। मैंने आपको प्रतिशत बढ़ाई बताई कि 50% और उससे ज़्यादा हर फसल के लिए दिया गया है। 8 पे तो 1.5 गुना है ही, अगली 6-7 पे उससे 1.5 गुना से भी ज़्यादा हुआ है। ये अपने आप में दिखाता है कि हमने सरकार की ओर से ना एमएसपी में कोई कमी छोड़ी बल्कि ज़्यादा करके दिया है। और लागत में भी जो आपने बात कही, अगर फर्टिलाइजर के दाम हमने बढ़ने ही नहीं दिए और उसकी कमी भी मार्केट में नहीं आने दी, तो निश्चित तौर पर किसानों के हितों का ध्यान किसी ने रखा है तो मोदी जी की सरकार ने रखा है। बिंद का फाइनल क्वेश्चन रिपीट कैसे होगा क्वेश्चन? सर, मोदी जी की सरकार और आप लोग किसानों की बात करते हैं और जवानों की बात करते हैं, किसानों के आपने पूरा ऐलान कर दिया है, आप कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर और टेरिटोरियल आर्मी के कैप्टन भी हैं। कल CDS को लेकर एक नोटिफिकेशन हुआ था, तो आप चाहेंगे कि आपका CDS की घोषणा जल्द से जल्द हो जाए टेरिटोरियल आर्मी के कैप्टन के तौर पर? धन्यवाद, दिस इज नॉट कंसर्निंग द कैबिनेट। थैंक यू फ्रेंड्स, वी क्लोज द प्रेस कॉन्फ्रेंस नाउ। थैंक यू सर।